हेलो गाइज, वेलकम टू विस्टेक चैनल। सो गाइज, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक सोनी के स्पीकर का, जिसका मॉडल नंबर है XV500। और ये आपको 20 या 22 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, किसी भी ऑनलाइन या फिर आप स्टोर से जाके परचेस कर सकते हो। सो सारी चीज़ें बताऊंगा, साउंड टेस्ट एंड बेस टेस्ट दोनों करूंगा, और बैटरी बैकअप कितना है और कैसे वर्क करता है, सारे कंट्रोल्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपको इसमें एक ऊपर की साइड में यहाँ से आपको पावर का बटन मिल जाता है, और दूसरे नंबर पे आपको ब्लूटूथ का मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ से पॉज एंड प्ले कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, बेस अप करने के लिए आप यहाँ से बेस को बूस्ट कर सकते हो। और पीछे की साइड में अगर हम दिखाएंगे तो पीछे की साइड इसमें आपको मिल जाते हैं पावर का केबल लगाने के लिए यूएसबी पोर्ट, दो यूएसबी पोर्ट मिलने वाले हैं, दो माइक के लिए पोर्ट मिलने वाले हैं, और एक आपको ऑक्स केबल के लिए पोर्ट मिल जाता है। और आप पीछे से भी इसमें बटन दिए हुए हैं, आप इसे चेंज कर सकते हो लाइट के लिए, बैटरी के लिए और पार्टी कंटेंट्स के लिए। और नीचे की साइड इसमें लगा हुआ है बेस। सो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन है। IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, सो हल्का फुल्का पानी गिरने पे कोई इशू आने वाले नहीं है। बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो उसमें आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, और सामने से कुछ इस तरीके का लुक मिलने वाला है आपको। सो करता हूँ मैं इसको ऑन और आपको दिखाता हूँ। तो ये हो चुका है ऑन। सो इसमें यहाँ पे लाइट लगी हुई है और एक नीचे की साइड लाइट लगी हुई है, देख लीजिए, ऐसे आप चेंज भी कर सकते हो। सो चेंज करने के लिए आपको पीछे की साइड मैंने बताया था जो बटन लगा हुआ है, इसको आप दबा के आप चेंज कर सकते हो इजीली। तो मैं अभी चेंज करता हूँ, लाइट ऑफ कर दी यहाँ से, ऑन करी तो देख सकते हो आप ये लाइट चेंज हो गई है। सो बेस क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है,